लखन लाल, लखनऊ लाल, लखनऊ नहीं। ये बताओ हमारी यहाँ चाची रहती थी। कौन चाची? ताणुका चाची। अच्छा वो चाची थी तुम्हारी? और नहीं तो क्या, भौजी थी? मैंने सोचा कोई और हो। किसने बगदाया है क्या चाची को? ये बगदाना क्या होता है? अरे किसने मारा है? मेरे पूज्य परम श्री बड़े भैया ने। गैया मार गई बड़ी? ए हाथ हटाओ, मुझे जानते नहीं हो अभी। क्या जानते बता? मैं बहुत बड़ा कुटैला हूँ। कुटैला हो? मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा बड़े भैया का क्या नाम है? श्री राम जी। श्री है? श्री नहीं है, जो अपने से बड़े होते हैं सम्मान सूचक शब्द है श्री। श्री चूना पान फ्री? नहीं, श्री राम जी। श्री राम? आम नहीं, राम नाम। हाँ राम 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 राम। एक मिनट, ये बाबा का है। बाबा इधर आ। ए हमसे बात करो जो भी बात करनी है। अच्छा बाबा सुने बात ना, 30 रुपये वाली पुड़िया ले ले। क्या हाँ की? वो वाले बाबा नहीं है, वो विश्व मोटर है। ये तो मैं समझू की और कोई है। ये बताए थे अभी कितने लोग हो तुम लोग? तीन। तीन लोग? और लोग आएंगे? एक भी नहीं। अंडे? कोई जानवर है क्या? अंडे भी नहीं। तुम लोगों में होते हैं क्या बच्चे? हैं नहीं बच्चियां? जब बता दिया तीन के अलावा और कोई नहीं है। केवल तीन आदमी हो? केवल तीन। और आदमी तीन फिर भी बच गए? कौन मारेगा? मैं मारूंगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक 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 कर रहा हूँ। अरे यार मारेगा तो यार। लिख रहे हो क्या तुम? मारा हो क्या? चाची को किसने मारा? बड़े भैया ने। बड़े गैया? ए बड़े भैया किसने देखा मरवाया? किसने मरवा ली ने ला कबूद? बिना मरवाए ना माने नाश हो जाए। बाबा ने मरवा। बाबा की सेवा करना पहलवान बहुत जल्दी बन जाओगे। चश्मुद्दीन गवाह कौन है? मैं ही हूँ। चश्मुद्दीन गवाह मिस्टर लसर पसर। ए लक्ष्मण लक्ष्मीकांत प्यारे लाल? प्यारे लाल नहीं, वो वहाँ है। प्यारे हो ना तुम इसीलिए। तो प्यारे लाल क्यों बोल रहे हो? प्यारे लाल कर दिया। अरे ना ठीक है तो अभी इधर मैं महाराज को लेवा के आता हूँ। अभी तो कह रहे थे लड़का महाराज का। अरे महाराज? अरे मैं महाराज हूँ, मेरा लड़का है, मैं उसको लिवा के आता हूँ। अरे अच्छा लेके आओ लेके आओ। महाराज ले आओ, उसको भी दर्शन करा दो। आधी एक का नाम, हेलो एक का नाम आम है, दूसरे का नाम अमरूद है। सुनो इनके नाव और गांव से हमें कोई लेना देना नहीं। तो एक राम नाम हमारी माता का वध किया है तो इसका मतलब है कि इन्हें दंड मिलेगा। एक कहे मध्य मारो है, का करो तो चाची ने? ऋषि मुनियों को सताती थी। ऋषि मुनियों को सताती थी तो वहां तो खेत न चरती। अरे तो ऋषि मुनि हमारे गुरुदेव है, हमारे पिता है। पिता है और क्या? ऋषि मुनि उन्हीं की कृपा से हम इस धरातल पर आए हैं। अच्छा और क्या? अब मैं किसकी कृपा से आया हूँ? अब हमको क्या पता, वो हमारी अम्मा बताएगी। अच्छा ये बताओ हाँ। दुबले बहुत होते जा रहे हो। हाँ हाँ चेरी की लेड़ी नहीं खा रहा हूँ, तुम भी खाओ चेरी की लेड़ी। महाराज इन्हीं लोगों ने मारा है तो फिर कह दो कि सावधान सावधान हो जाओ, हमारे महाराज आए हैं। मेरा लड़का है, मजाक कर रहा। आपके पिताजी हैं? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ कह रहे हैं। हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं। सावधान, मेरी माँ को मार के उछल रहा रणवीर, देख तेरे सामने आग खड़ा मारी। सावधान हो जा, आज तेरे प्राणों का अंत कर दूंगा। नक्शेबाजी ना होए तेरे हाथ। मजाक का मजाक रहा तुम? मजाक मजाक। अरे वहां लड़ने दे। हाँ तुम लोग सावधान। हम लोग चलेगा महाराज तुम हमारे। अच्छा देखते हैं कौन मारता है। Thank you.
भगवान राम तही मारा। क्या हो गया? सतयो जम गाय सागर पारा। इसको क्या हो गया? हाँ, सो गए थे। मैं कौन हूँ? अब ऐसा कहोगे मतलब मरने के टाइम में? मैं कौन हूँ मुझे मालूम नहीं है भैया, मेरा घर बता दो। आओ हम बताएं। हाँ बता दो। सेवा करो। किसकी? तुम्हारे गुरुजी बैठे। ये तो मेरी सेवा करता था। ए! आ गया याद? आ गया याद? भूल गया। हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। करो सेवा करो। पाँव कहाँ है? इसके पाँव तो भाई नहीं है। है, देखो कहाँ है? ये है पैर। लाओ लाओ, मैं सेवा करूँ। ए ए ए रुक, क्या कर रहा है ये? सेवा कर रहा है। इस तरह नहीं, आराम से, आराम से, आराम से कर रहा है। तुमसे नहीं होगा, होए भजन नहीं तामस देहा। ठीक है, हमको भजन सुनाओ। भजन सुन ले। हाँ सुनाओ। ये कौन सी भाषा? भजन। अच्छा, इसको थोड़ा और जल्दी जल्दी। किसके साथ रहे हो भैया? हमें पता नहीं। और दूसरा बारा सुनाओ। सैया के साथ मढ़िया मा, मढ़िया मा, बड़ा मजा आया रे जैया मा। ये कोई भजन है? वो सुनाओ कौन सा है? वो पुंगलई इंद पट्टी तुंग तंग मंगलंगे पुंगलई अटुड़ी कुंडु तंग पटु पंड तंग पुंगलई इंदर कुंडु तंग पंडु मंद लंगे पुंगलई। क्या पुंगलई? हमें क्या पता। अरे तो क्या पुंगलई? गाना है पुंगलई, बाद में आता। अच्छा, और बस बस और जो भी राक्षस बचे हैं उनको लेकर आओ। आप गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करेंगे, हम उनकी की रक्षा करेंगे। 500 का देव क्या? ये सब नहीं है हमारे पास में। हमारे राज्य में चलो, कंजूस आदमी, राज्य में चलो हमारे। अच्छा, और क्या? 500 देंगे? अरे और ज्यादा। ठीक है, चलेंगे। ए! कहा पुन कछु के दिवस रघुराया रहे तीन पे तन परदाया। महाप्रभु, ये कौन सी शिला है? यहां पर कोई नहीं, ये शिला यहां अकेली पड़ी हुई है। कृपा करके आप इस शिला के बारे में हमसे जरूर बताएं। जो मग में पड़ी है अकेली, पड़ी है अकेली, पूछा तो है हम गुरु जी शिला ये कैसी, पूछा तो है हम गुरु जी शिला ये कैसी। जो मग में पड़ी है अकेली, पड़ी है अकेली, पड़ी है अकेली, पूछते हैं हम प्रभु जी शिला ये कैसी। पूछा तो है हम गुरु जी से
सीता प्रभु बताओ सिलाए कैसी। बताएं बताएं महाप्रभु ये कौन सी सिला है? लाल, तुम इस सिला के बारे में जानना चाहते हो? इसको देख करके तुम्हें भय लग रहा है, और यह जंगल जो वीरान दिखाई दे रहा है कभी यह भी बहुत ही रमणीय हुआ करता था। ये सिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या की है। एक समय की बात है, देवी अहल्या अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। वो अपने पति की निरंतर सेवा करती थी। एक समय की बात है, जब यह देवी अहल्या का रूप और यौवन देखकर के वो देवताओं का राजा इंद्र देवी अहल्या पर मोहित हो गया और अहल्या के साथ छल करना चाहा। वो एक अवसर की तलाश में था। एक समय की बात है, गौतम ऋषि नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में माँ गंगा के पास स्नान करने जाया करते थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब गौतम ऋषि गंगा की ओर बढ़े तो देवताओं के राजा इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर और साथ में चंद्रमा को लेकर के अहल्या के साथ छल किया। जैसे ही गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए बढ़े, माँ गंगा प्रकट हुई और गौतम ऋषि से कहा कि हे गौतम, तुम्हारी कुटिया में छल हो रहा है, तुम अति शीघ्र कुटिया की ओर जाओ। जैसे ही गौतम ऋषि कुटिया की ओर आए तो कुटिया में देखा कि देवी अहल्या देवराज इंद्र के साथ शयन कर रही थी। देवराज इंद्र ने गौतम का रूप धारण किया था। इससे क्रोध होकर के गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस की इच्छा लेकर के तुमने यह वासना की है, तुम्हारे शरीर में हजार भाग हो जाएं। और वहीं पर देवी अहल्या को भी श्राप दे दिया कि तुम इसी क्षण पत्थर की हो जाओ। तो उसी समय से देवी अहल्या ने पत्थर का रूप धारण कर लिया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण रज चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। तुम इसमें अपने चरणों की रज परिषद पद पावन सो की नसाव प्रगट भई तप तुम सही देखत अधिकायक जन सुखदायक सहमत होए चरणों की रज पाकर पुनः नारी बन गई, अपने पति के श्राप से मुक्त हो गई। मेरे प्रभु, जब मेरे पति ने श्राप दिया था तब मैंने अपने पति से पूछा था, मेरे नाथ मेरा उद्धार कैसे होगा? उन्होंने बताया था कि त्रेता के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के चरणों की रज से तू पुनः नारी बन जाएगी। प्रभु, मैं नारी अपावर प्रभु जग पावर राम पुतल सुखदाई। I'm
के धाम को जाना चाहती हूँ प्रभु। यही बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पर चले राम लक्ष्मण मुनि संगा चले राम